इस यौम आज़ादी के हवाले से हमारी खुशियाँ और दुबला हो गई हैं कि अरशद नदीम जो कौम का हीरो है उस नौजवान ने 40 साल बाद पाकिस्तान को अल्लाह ताला के फजल करम से अपनी मेहनत और रियाजत से एक गोल्ड मेडल जीत कर दिया है। कौमी हीरो अरशद नदीम ने 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीतकर कौम को खुशियां दी। यौम आज़ादी के हवाले से हमारी खुशियां दोबाला हो गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इजहार ख्याल, कहते हैं अरशद नदीम की कामयाबी पर कौम खुशियां मना रही है। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतने के लिए दिन रात मेहनत की, माँ बाप की दुआएँ कहाँ से कहाँ पहुँचा देती हैं। मजीद कहा, दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान को खुशहाल बनाएंगे। हमने सनत, ज़रात और इंडस्ट्री को बहाल करना है। हर वजारत को हमने पेपरलेस करना है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की मियां चन्नू आमद, अरशद नदीम और उनकी फैमिली से मुलाकात की। मरियम नवाज ने कौमी हीरो की वालिदा को गले लगाकर मुबारकबाद दी। कौमी हीरो को 10 करोड़ रुपए का चेक और कार तोहफे में दी। वज़ीर-ए-आला ने अहले खाना के साथ तस्वीर और सेल्फियां बनवाई। कहती हैं, अरशद नदीम ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम पर हमें बहुत फख्र है। अरशद नदीम जैसे खिलाड़ी हमारी कौम का सरमाया है। वज़ीर-ए-आला ने कोच सलमान इकबाल बट को 50 लाख रुपए का भी चेक दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आज मुलाकात करेंगे। अरशद नदीम और उनकी फैमिली को आज प्रोटोकॉल के साथ लाया जाएगा। कौमी हीरो और उनकी फैमिली वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे में इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अरशद नदीम की बेहतरीन कारकर्दगी पर खिराज तहसीन पेश करेंगे। इनाम का ऐलान भी मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से अरशद नदीम के एजाज में इस्तकबालिया भी दिया जाएगा। फैज हमीद ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को पैगाम भिजवाए, मुझे आर्मी चीफ बना दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ, कहते हैं रिटायरमेंट के बाद भी फैज हमीद का सियासी वाकयात में हाथ है। 9 मई के वाकयात भी फैज हमीद की तरफ इशारा कर रहे हैं। इक्तदार के पीछे भागने वालों के साथ ऐसा ही होता है। फौज में खुद एहतसाबी एक सख्त कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल जो हर वक्त जारी रहता है। फौज में खुद एहतसाबी का अमल हर वक्त जारी रहता है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, हमें अपने एहतसाब के निज़ाम पर फख्र है। फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा शफाफ और खुदकार अमल है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में फौज में एहतसाबी निज़ाम की बात की थी। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी, एहतसाब का अमल भी उतना ही सख्त हो जाता है। एहतसाब का अमल इल्ज़ाम पर नहीं बल्कि हकायक पर काम करता है। सोशल मीडिया के जरिए तशद्दुद पर उकसाने वालों के लिए कोई मुआफ़ी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी कहते हैं कि आवाम को पुरतशद्दुद वाक़यात पर उकसाने वाले काबिल मज़म्मत हैं। वफ़ाक़ी वज़ीर दाखला की लंदन में बरतानवी वज़ीर दाखला से मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और क्रिमिनल्स मुकदमात में कानूनी मुआवनत पर बातचीत की गई। बरतानवी वज़ीर दाखला का कहना था कि पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में तआवुन जारी रखेंगे। वज़ीर दाखला ने हम मनसब को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। हुकूमत का पासपोर्ट रूल्स में तरमीम करने का बड़ा फैसला। तरमीम के बाद पासपोर्ट किसी भी शहर से बनवाया जा सकेगा। किसी भी नेशनल बैंक में पासपोर्ट की तमाम कैटेगरीज की फीस जमा कराई जा सकेगी। रूल्स में तरमीम की समरी वजारत दाखिला ने काबीना को भिजवा दी। काबीना की मंजूरी के बाद रूल्स में तरमीम कर दी जाएगी। तरमीम के बाद शनाख्ती कार्ड की तर्ज पर पासपोर्ट बनाया जा सकेगा। जश्न आज़ादी पर बादल भी अर्ज वतन को सलामी देंगे। महकमा मौसमियात के आज और कल मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेश गई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, जहलम, गुजरात, गुजरावाला में बारिश का इम्कान। यूं बारखान, खजदार, एबटाबाद, बालाकोट, मोनीर, मर्दान में भी बादल बरसने की पेशगोई कर दी गई। बड़े जश्न की बड़ी तैयारियां, हर तरफ कौमी परचमों की बहार, आवाम के चेहरे खुशियों से सरशार। जश्न आज़ादी की आमद में चंद घंटे बाकी, गली गली आज़ादी के रंग, इमारतों पर चरागाम। हाफिजाबाद में वतन की मोहब्बत में नौजवान ने 500 गज लंबा कौमी परचम तैयार कर लिया। कौमी परचम पर शहरियों की जानिब से गुलपाशी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे।
हैदराबाद में नौजवान ने जश्न आजादी के लिबास पर 1000 बैजेस लगा लिए। चागी में कार रैली, शुरका के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। पाकिस्तानी कौम वतन की मोहब्बत से सरशार, रावलपिंडी से आजादी फ्लोट लाहौर की जानिब गामजन। गुजरांवाला में क्याम के बाद आजादी फ्लोट लाहौर रवाना। कामों की आमद पर डिप्टी कमिश्नर समेत तमामी नुमाइंदों ने इस्तकबाल किया। ढोल की थाप और मिली नगमों की धुनों में आजादी फ्लोट को खुश आमदीद कहा गया। सब्ज और सफेद रंग के गुब्बारे भी उड़ाए गए। आजादी फ्लोट कुछ देर बाद लाहौर पहुंचेगा। जश्न आज़ादी जोश व जज्बे से मनाने की तैयारियां जारी। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में आज रात आज़ादी नाइट परेड होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खसूसी होंगे। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के कैडेट्स अपने मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड की महारत का शानदार मुजाहरा पेश करेंगे। सरजमीन पाकिस्तान और मादर वतन के शहदा को खसूसी खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस ने मंचलों से निपटने की प्लानिंग कर ली। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अमारा धर कहते हैं कि जश्न आजादी का हरगिज मतलब नहीं कि ट्रैफिक कानून से भी आजादी है। वन व्हीलर्स और उनके सहूलतकार मोटर मैकेनिक दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। बगैर साइलेंसर बफल निकालने वाले हुलड़बाजों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। 18 साल से कम उम्र ड्राइवर्स की मोटरसाइकिलें थानों में बंद होंगी। कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, आज़ादी का जश्न सी व्यू पर मना सकेंगे। मंचलों को हुल्लड़बाजी की इजाज़त नहीं होगी। पुलिस ने 14 अगस्त पर सी व्यू को शहरियों के लिए खुला रखने का ऐलान कर दिया। पुलिस के मुताबिक जश्न आज़ादी पर सी व्यू और अतराफ में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम होंगे। मजमू तौर पर 700 से जायद अफसरान और जवान सी व्यू और अतराफ में तैनात होंगे। इंटेलिजेंस स्टाफ को भी अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया गया। कराची में कहीं हल्की तो कहीं गहरे बादल। शहर में आज भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान है। शहर का दर्जा हरारत आज ज्यादा से ज्यादा 23 डिग्री तक जाने का इम्कान है। खैरपुर, कशमोर, जैकबाबाद, लाड़काना, दादू में बारिश की पेशगोई कर दी गई। सिंध के साहली इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरसेंगे। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की तकसीम, 3 नए महकमे कायम। एयरपोर्ट्स को पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का हिस्सा बनाकर अलग महकमा बना दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक रेगुलेटरी शोबे में सिविल एविएशन का हिस्सा होंगे। तीसरा महकमा हादसात की तहकीकात से मुतालिक बोर्ड ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन है। तीनों महकमों के सरबराहान के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी होगा। अपोजिशन का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। अपोजिशन के इजलास में महमूद खान अचकजई और मौलाना फजल रहमान, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, उमर अयूब और दीगर की शिरकत हुई। इजलास में मुल्की सियासी सूरतेहाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तफसीली गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मौलाना फजल रहमान के गिले शिकवे भी सुने। महमूद खान अचकजई ने अपोजिशन रहनुमाओं को साथ चलने पर जोर दिया। अरब रुपए की पड़ती है सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट, जो बिजली बनती नहीं है वो बिजली के पैसे पाकिस्तानी कौम अदा करती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने फैज हमीद के मसले को फौज का अंदरूनी मामला करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत के टाइम में 40 दिन रह गए, हुक्मरान तबके ने मुआहदे पर अमल ना किया तो बाहर निकलेंगे। ताजिर तंजीमों के साथ मिलकर पुरम एहतजाज की कॉल देंगे। हमारे पास एहतजाज के और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। जमात इस्लामी इस वक्त लोगों की आखिरी उम्मीद है, लोग हमारे साथ खड़े हैं। पीटीआई ने मुल्क को बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। वजीर इत्तलात संत शर्जील इनाम मेमन सियासी मुखालिफिन पर बरस पड़े। कहते हैं पीटीआई हुकूमत की जानिब से तालिबान की फंडिंग की गई। पीटीआई ने आईएमएफ को खत लिखे ताकि मुल्क दिवालिया हो जाए। मुल्क के लिए हमें अपने सियासी अख्तलाफात खत्म करने चाहिए। लोगों की बर्दाश्त से ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। हनी ट्रैप और अख्वाबराए तावान का केस की समाअत। मरकजी मुलजिम हसन शाह, रफीक और फीकी की शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल ना हो सका। अदालत ने दोनों मुलजमान के जुडिशियल रिमांड में 7 रोज की तौसी कर दी। अदालत का मुलजमान की शनाख्त परेड 19 अगस्त तक मुकम्मल करने का हुक्म।
तफ्तीशी अफसर का कहना था कि मुलजिमा आमना उरूज और हसन शाह ने खलील रहमान कमर को अगवा करके करोड़ तावान का मुतालबा भी किया।